व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई TVS स्कूटी इट्रिक गाड़ी के बारे में। जी हाँ, कौन सी TVS स्कूटी आती है? जो पेप्लस आती है, जो इट्रिक आती है, वेगो आती है, जुपिटर आती है। तो आज हम उन गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ। मेरे पास कमेंट आया था एक मेरे सब्सक्राइबर का ही कि भाई इस पर वीडियो बना दो, ये मेरे को आइटम चाहिए, अगर ओरिजिनल चाहिए तो कितना बजट जाएगा और कौन से वेंडर का खरीदे अगर बजट कम हो तो, वो क्या क्या आइटम है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो आज हम बात करने वाले जो मेरे पास कमेंट आया था भाई का, वो है अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक भाई के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने आइटम बोला था वो है TVS स्कूटी इट्रिक गाड़ी का। एक तो मेरे को पुली की बता दो भाई, और साथ में वेरिएटर है क्लिच का, क्लिच शू के बारे में पूछा था उन्होंने, और क्लिच के रोलर बेल्ट एंड ओरिजिनल के बारे में भी बताया था। अगर बजट कम हो तो वो कौन से वेंडर का खरीदे, कौन सा कंपनी का खरीदे जो अच्छा वर्क करें। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री कि ओरिजिनल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरे यहाँ पे भी ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर पाते TVS का जेन्युइन आइटम, जबकि वो इतना सारा आइटम डलवाएं। तो अगर कोई पर्टिकुलर आइटम डलवाते तो कोई कोई अफोर्ड कर लेता, लेकिन हर किसी का बजट इतना नहीं होता है कि वो ओरिजिनल जेन्युइन जो आइटम होता है वो डलवा लें। हालांकि मैं जेन्युइन सामान भी मंगाता हूँ, लेकिन इतना मैं नहीं मंगाता जिनकी हाई रेटेड हो, हाई जो रेट होती है जो हाई हो, तो मेरे को लगता कि भाई ये नहीं अफोर्ड कर पाते तो फिर मैं वो नहीं मंगाता हूँ। कोई रिक्वेस्ट करता है ऑर्डर वगैरह तो मैं मंगा देता हूँ। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, एक तो मेरे पास TVS स्कूटी पेप्लस इट्रिक दोनों गाड़ी के सेम आइटम होते हैं, वेगो और जुपिटर के अलग होते हैं। वेगो जुपिटर में ये नहीं लगेंगे, TVS स्कूटी इट्रिक और पेप्लस में ये सारा आइटम लग जाएगा। क्या क्या चीज़ है? मेरे पास पुली है, क्लिच शू है, एंड रोलर बेल्ट वेरिएटर। आज हम फुल वीडियो में बात करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हो, साथ में अनबॉक्सिंग करते हो, कितने कितने के जो पड़ेंगे और रेट की भी हम बात करेंगे आगे जाके कि एरिया वाइज एरिया कितना रेट का पड़ेगा, मेरे यहाँ कितने का पड़ता है और आपके यहाँ कितने का पड़ेगा, कैसे क्या पड़ेगा, पूरा डिस्काउंट वगैरह काट कूट के हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आइटम दिखा देता हूँ, कौन कौन से आइटम है, उनके अनबॉक्सिंग वगैरह करके कैसे क्या दिखता है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा देते, साथ में घंटी जरूर दबा देना, ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप मिस नहीं कर सको। जैसे अभिषेक भाई ने बताया था कि मेरे को ये चाहिए तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, किसी भी गाड़ी का, या आप चार पांच आइटम आप एक साथ डाल सकते हो कि ये चाहिए भाई, इस चीज पर वीडियो बना के दे दो। जैसे कि इंजन का सामान हो गया, या फाइबर का सामान हो गया, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिवा बाइक किसी भी गाड़ी का सामान हो गया, क्लिच वाली साइड का, ब्रेक साइड का, कुछ भी चीज़ हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उस पर कोशिश करूँगा बनाने की वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाल बटन दबा देना, साथ में घंटी दबा देना। तो बिना कुछ देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जी, आ गए मेरे पास सारे आइटम, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पुली की बात कर लेते हैं, ये बाकी का सामान हम साइड में रख देते हैं, इनकी भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये है मेरे पास पुली, यूनिशॉट कंपनी की है, काफ़ी अच्छी काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कंप्लेन नहीं आती, जो कि मैं काफ़ी सालों से इसी को बेच रहा हूँ। एक लोकल आती है, एक यूनिशॉट की आती है, पुली तो बहुत ब्रांड की भी आती है, फिर ओरिजिनल आते हैं, तो मैं यूनिशॉट की ज़्यादा सेल करता हूँ। तो सबसे पहले उसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये स्कूटी पेप और TVS स्कूटी ट्रैक में भी ये आराम से लग जाएगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा फिर से मैं। तो जल्दी से इसको अनपैकिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि पुली कैसी दिखती है। तो ये हमारी पुली आ गई है बाहर। तो ये है भाई TVS स्कूटी इट्रैक की पुली, तो कुछ ऐसी दिखती है ये पुली, ये इसकी चकनेट वगैरह है, और ये पुली है यूनिशॉट की, अच्छी दिखती है पुली। तो अब हम बात कर लेते हैं बेल्ट, जो हमारी बेल्ट आती है भाई फेक बेल्ट, ये है मेरे पास रोलन कंपनी की बेल्ट, रोलन की ओरिजिनल आती है। रोलन काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी ब्रांडेड कंपनी मानी जाती है, इसके जो चेन पॉकेट वगैरह आते हैं ओरिजिनल आते हैं, सभी गाड़ियों के कोई भी आइटम इसका आता है तो ओरिजिनल माना जाता है। तो रोलन काफ़ी अच्छी कंपनी है, जैसे कि फर्स्ट TVS जेन्युइन की आइटम आते हैं तो चेक इन रोलन आप इस तरह का ये मान लो, और फिर एक बेंडो की भी आती है ओरिजिनल, तो आप बेंडो कंपनी की भी ले सकते हो। तो मैं रोलन की ज़्यादा मंगाता हूँ तो रोलन की चील करता हूँ, उसको भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ आपको बेल्ट निकाल के जल्दी से।
तो ये है हमारे पास रोलन की बेल्ट, इस पर इधर रोलन लिखी आती है, ROLON रोलन क्रोकोडाइल, नाम भी देखो भाई क्रोकोडाइल लिखा हुआ आया, एंड ये इसका पार्ट नंबर है रोलन का, और ये कुछ नंबर डले हुए आते हैं। तो ये रोलन की बेल्ट होती है, बस एक ही टाइड ये लिखा आता है इसका पूरा, तो कुछ इस टाइप की होती है। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्लिश शू, जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। क्लिश शू मेरे पास AHK के हैं, AHK भी काफ़ी पुरानी कंपनी है, इसके भी आप डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट वगैरह की हम अभी आगे चल के बात करेंगे, तो उसको भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, अनपैकिंग करके। तो ये है मेरे पास क्लिश शू, तो कुछ ऐसे दिखते हैं, मैं इनको साइड में रख देता हूँ पहले। तो ये हमारे स्कूटी पेप प्लस और स्कूटी ट्रैक के क्लिश शू, दोनों गाड़ियों के सेम होते हैं। ये वेगो जुपिटर में नहीं आएंगे, वेगो जुपिटर के अलग होते हैं। देखो इधर AHK लिखी आती है, क्लिश शू कुछ ऐसे होते हैं डिजाइन के। अगर आप कभी भी परचेज करने जाओ तो आप ऐसे दिखा सकते हो, आपको गाड़ी खुलवाने की ज़रूरत नहीं कि ये मॉडल के मेरे को दे दो, ये ऐसा दिखता है क्लिश शू, तो आप इस टाइप के मेरे को दे दो। आप मेरी वीडियो दिखा के भी मांग सकते हो उनसे कि भाई ऐसे क्लिश शू होते TVS स्कूटी ट्रैक में, आप ऐसे क्लिश शू दे दो, आप किसी भी दुकानदार से लेने जाते हो तो। अगर कोई दुकानदार कहता है कि खुलवा के लाओ तब हम मिला के देंगे, तो आप ये वीडियो दिखा देना उनको कि भाई ऐसे आते क्लिश शू, आप देख लो TVS स्कूटी ट्रैक के क्लिश शू ऐसे होते हैं। साथ में मैं बेल्ट वगैरह का पार्ट नंबर बता दूंगा, तो आप रोलन के पार्ट नंबर के हिसाब से बेल्ट ले सकते हो। और इसे भी हम साइड में करते हैं। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, मेरे पास TVS के ओरिजिनल भी क्लिश शू हैं, तो ये इसकी मैं अनपैकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अनपैकिंग करने के बाद कस्टमर जो है लेता नहीं है ज़्यादा तक, उसको लगता है कि कुछ पैक वगैरह कर दिया या खुद है तो खुला हुआ नहीं, उसे पैक ही ज़्यादा पसंद होता कोई भी प्रोडक्ट हो। जाहिर की बात है हम भी अगर कोई भी सामान लेने आते तो यही कहते हैं कि भाई पैक करा हुआ दो, खुला हुआ माल मत दो। तो ये क्लिश शू आते हैं, इसकी क्या रेट है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लिश रोलर, ये भी मेरे पर रोलन कंपनी के हैं, एक लोकल आते एक रोलन आते और एक TVS के ओरिजिनल आते हैं। इसकी भी मैं अनपैकिंग नहीं कर सकता, वही सेम बात है भाई, खुले हुए कोई लेता नहीं है। तो ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये नाम से आते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस पर पैप लिखी हुई आई है, स्कूटी पैप ट्रैक, तो ये नाम से आते हैं इसके, आपको दिख रहा होगा इस पर लिखी हुई है पैप प्लस और ट्रिक गाड़ी। अब हम बात कर लेते हैं एक क्लिश वेरिएटर, ये मेरे पास नवरंग कंपनी का है वेरिएटर, काफ़ी अच्छा काम करता है, इसको भी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ मैं। तो इस ट्रैक में कुछ ऐसा दिखता है भाई, ऐसा आता है TVS स्कूटी ट्रैक का और स्कूटी पेपलस में, क्लिच का वेरिएटर है ये, बगल की किनौर एकदम प्लेन होती है, बाहर निकली हुई नहीं होती है। जब भी आप परचेज करने आओ ये देख लेना, प्लेन होती है। बाकी के ये नाम से आते प्रोडक्ट, इनमें कोई वो नहीं है कि ये दूसरी गाड़ी का लग जाए, ऐसा खुश नहीं है, ये सब अलग अलग अपने नाम से आते हैं, तो ये ऐसे होते हैं। तो अब जल्दी से इनके पार्ट नंबर MRP की बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पुली की बात कर लेते हैं भाई। तो हमारी जो पुली है ये जो पुली है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो वीडियो में और ऐसे ही ले सकते हो भाई। तो पुली की जो है मेरे पास यूनिशॉट की वो एक पे लिखी हुई है, पुली कंप्लीट फॉर स्कूटी पैप प्लस, यानी कि ट्रिक में भी आ जाती है। MRP है ₹1098 की MRP है पर सेट, March 2021 की पैकिंग डेट है। अब सेकेंड आइटम की हम बात कर लेते हैं, तो ये है मेरे पास क्लिश शू। तो क्लिश शू की जो रेट आती है AHK पे, इस पर लिखा भी आता है AHK TVS स्कूटी पैप प्लस पैप लिखा हुआ है और इट्रिक गाड़ी की सेम होती है। इसकी जो MRP है वो है 725 इसकी MRP आपको दिख रहा होगा। तो 725 की MRP अगर 2021 की जब पैकिंग देता है, ये आपको कितने में मिलेगी कितने की पड़ेगी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और इसकी बात कर लेते हैं क्लिश शू ओरिजिनल की, इसकी जो MRP है वो है 838। इसका पार्ट नंबर और MRP क्या है कि थोड़ा कंपनी से मिट हुई आई है, अगर आप गौर करोगे तो 838 की MRP हमने पेन से लिख दिया, चाहते हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ना ही कस्टमर को भी कोई कन्फ्यूजन रहे। तो इसका पार्ट नंबर थोड़ा मिटर गया, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, I am sorry। सो ये है हमारे पास TVS की ओरिजिनल क्लिश शू। अब बात कर लेते हैं क्लिश रोलर,
तो इस पे भी पेप लिखी आती है, मैंने आपको बताया था वीडियो में, पेप प्लस स्कूटी ट्रैक लिखी आती है। इसकी जो MRP आती है वो आती है 194 MRP आती है। रोलन की ओरिजिनल आती है, आप रोलन के आइटम डलवाओ या काफ़ी अच्छे काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जिस किसी भी मकैनिक से आप डलवाओ, किसी अच्छे मकैनिक से डलवाना जो पुराना मकैनिक को अच्छी फिटिंग जानता हो। जरूरी नहीं है आपकी नई मकैनिक से डलवाओ कि अगर आप उसको ओरिजिनल डलवाओगे तो वो चच्चे जो आ गया, तो नहीं है। कोई कोई ओरिजिनल आइटम भी फेल हो जाता है, सारा खेल फिटिंग के ऊपर होता है कि वो किस टाइप से फिटिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं वेरिएटर, नवरंग का जो वेरिएटर आता है इस पर भी लिखा आता है स्कूटी पे प्लस और इलेक्ट्रिक वेरिएटर बॉडी। MRP इसकी 280 280 रुपये की MRP है वन पीसेज। तो अब हम बात कर लेते हैं एक आइटम की और, अगर आप ये सब आइटम डलवा ही रहे हो तो भाई एक क्लिश के जो आता है क्लिश रोलर पीछे दौर आते हैं जो कि 32 रुपये की MRP की आते हैं, 30 रुपये में आपको आराम से मिल जाएंगे। जी तो ये कुछ काले काले कलर के रबड़ होते हैं जो कि इनमें लगते हैं वेरिएटर में। अब जब पता नहीं किधर लगते हैं, अंदर लगते हैं बाहर लगते हैं, पर ये लगते हैं तो ये आप लगवा सकते हो जब आप अपना सारा आइटम डलवा रहे हो। अगर आपके पुराने चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको आइडिया नहीं हो तो आप ये भी प्लीज डलवा लो, ओरिजिनल आते हो रोलन के। एंड इसकी जो पेप्ट वेगो लिखी आती थी दोनों गाड़ी के एक ही होते हैं। तो इसकी जो MRP है वो है 32 यानी 32 रुपये। तो उसमें काफ़ी सस्ते हैं यार, तीन रबड़ आती है, तो आप जो ओरिजिनल डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम बात कर लेते हैं बेल्ट की। तो जो हमारी जो बेल्ट आती है इसकी जो MRP आती है वो आती है हमारी 255, और साथ में इस पर लिखा हुआ भी आता है, देखो इधर इसका पार्ट नंबर डला आता है रोलन का बेल्ट का, CCV720, यही बेल्ट के अंदर डला हुआ था, मैंने अभी आपको दिखाया था। स्कूटी पेप और इट्रिक दोनों गाड़ियों में ये लग जाती है, वेगो जुपिटर में नहीं आएगी। तो ये दोनों गाड़ियों की 6 मोची है, रोलन की ओरिजिनल आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से डलवा सकते हो। पावर ट्रांसमिशन रबड़ बेल्ट बोलते हैं उसको, बहते हम फेग बेल्ट बोलते हैं कि बेल्ट दे दो। डायरेक्ट पार्ट नंबर CCV720 एंड 2026 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये, एंड MRP है की 255 255। अभी कितने में मिलेगी आपको वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको दिखा तो दिया सारे आइटम, तो अब इनकी रेट की बात कर लेते हैं कि कौन सा कैसा क्या आइटम मिलेगा और कौन सी कंपनी का क्या ओरिजिनल है कि नहीं, लोकल है या जेन्युइन है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम पुली की बात कर लेते हैं। मेरे यहाँ यूनिशॉट की पुली आती है, और किसी अदर ब्रांड की मैंने आज तक मंगाई नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ यही सब गाड़ियों में सबसे अच्छी काम कर रही है। चाहे वेगो ले लो, जुपिटर ले लो, एंड एक्टिवा ले लो, मेस्ट्रो, प्लेजर, कोई सी भी गाड़ी ले लो, सबकी मैं यूनिशॉट की ही मंगाता हूँ, और काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी अच्छी वर्क करती है। तो इसकी जो रेट है वो है 1098 यानी कि 1098 रेट है, और March 2021 की पैकिंग डेट है। और इस पर आपको डिस्काउंट लगभग कार्ड पूछ के आपको 20% के आसपास हम देते हैं अपने यहाँ एरिया में। देखो, और रेट की मैं बता दूँ तो एरिया वाइज एरिया सबकी रेट अलग अलग जगह अलग अलग होती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे से कंपेयर मत करना कि वहाँ पर जाके कि ये इतने का दे रहे हैं और आप इतना महंगा बता रहे हो, या वो महंगा दे रहे हैं, मैं सच्चा बता रहा हूँ। तो भाई देखो, सबकी रेट अलग अलग होती है। तो मेरे यहाँ जब ये सेल होती है तो 20% मैं डिस्काउंट देता हूँ कस्टमर को। तो 1098 पर 20% डिस्काउंट काट के लगभग 878 यानी कि 900 रुपये की समथिंग पड़ जाती है। तो 900 रुपये की हम लगाते हैं, यानी कि 878 900 रुपये मान लो आप मोटा मोटा, 10-20 रुपये ऊपर नीचे कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की क्लिश शू। अगर आप ASK के क्लिश शू डलवाते हो तो काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई कंप्लेन नहीं आती। एंड ये क्लिश शू आती हैं आपको 725 इसकी रेट है, तो ये आपको लगभग 550-600 रुपये में आराम से पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप बेफिक्र होकर डलवा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा अफोर्ड कर सकता है तो आप क्लिश शू ओरिजिनल पर जा सकते हो, जिसकी रेट 838 है। MRP पर थोड़ी सी मिटर गई है, हमने पेन से डाल दिया था दिक्कत कि हमें भी कन्फ्यूजन नहीं रहे ना कस्टमर को रहे। तो 838 पे आपको 10% डिस्काउंट आराम से TVS पे मिल सकता है, ओरिजिनल पे वो 750 के पड़ेंगे ये क्लिश शू। तो अभी हम बात कर रहे हैं लो बजट की, ओरिजिनल की तरफ हम जा नहीं रहे हैं। तो 550-600 रुपये के करीबन आप ये क्लिश शू मान लो, यानी कि 600 रुपये आप राउंड फिगर में मान लेते हैं। बाकी के अभी आइटम देख लेते हैं। बेल्ट आज तक मैंने रोलन के अलावा किसी भी कंपनी की नहीं मंगाई, क्योंकि रोलन के जो प्रोडक्ट आते हैं वो काफ़ी जेन्युइन होते हैं, काफ़ी ओरिजिनल होते हैं। तो ये सब रोलन ने बनाना भी शुरू कर दिए हैं, काफ़ी कुछ कुछ आइटम अभी नहीं बना रही है, कुछ कुछ रोलन आइटम बना रही है। बेंटेक्स वगैरह हो गए, चेलप की गाड़ी हो रही, इन चीज़ों में भी रोलन कंपनी जो है अब आ रही है धीरे धीरे।
रोलन की बेल्ट तो पहले भी आती थी और रोलन के साथ में चैनिक पॉकेट भी आते, तो वो काफ़ी अच्छी होते हैं। बाइक की ओरिजिनल माना जाता है, काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है रोलन। तो रोलन की आप बेल्ट डलवाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, रोलन की ओरिजिनल बेल्ट आती है, एक नंबर काम करती है। या फिर आप बेंडो कंपनी की बेल्ट लो, बेंडो की भी ओरिजिनल आती है, या फिर आप टी वी एस की लो, पर हम ना ओरिजिनल की बात नहीं कर रहे। तो रोलन की 255 रेट है, तो लगभग इस पर भी हम 10% डिस्काउंट दे देते हैं आराम से। तो 230 के आसपास ये आराम से पड़ जाते, 220 या 230 के आसपास पर जाते, 10% डिस्काउंट काट के आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि क्लिच रोलर, जो क्लिच रोलर आते हैं ये भी रोलन के ही ओरिजिनल, एंड ये भी आप रोलन के डलवाओ कोई दिक्कत नहीं है यार, काफ़ी सही है। अगर आप रोलर क्लिच रोलर जो होते हैं वो लोकल लेते हो, जो वेरिएटर में डलते हैं, तो वो लगभग 100-150 रुपये के समथिंग पड़ेंगे आपको डिटेल में, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप रोलन कंपनी के ओरिजिनल लो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं। मैंने आज तक लोकल मंगाए नहीं है जब तक मेरे पास ये ओरिजिनल आए हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। 194 इसकी MRP है, तो 190 रुपये या 180 में ये आपको आराम से मिल सकते हैं। साथ में ये नवरंग का वेरिएटर है, तो रोलन इस कंपनी के अभी स्कूटी पेप की बनाती नहीं है वेरिएटर, अब बनाने लग गई हो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि एक्टिवा गाड़ी के आने लग गए हैं वेरिएटर। तो नवरंग का जी 280 इस पर MRP है, नवरंग के अभी अच्छे हैं, कोई शिकायत अभी तक कंप्लेंट सुनी नहीं है। देखो भाई, जो बात है जो सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है किसी भी प्रोडक्ट में कि भाई आपका प्रोडक्ट बेकार है, इसकी जगह कोई और ब्रांड का मंगाओ या कोई दिक्कत दे रही है, ये तो ऐसी कोई नहीं है। क्योंकि हमारी काफ़ी पुरानी शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है, इसलिए जैसे कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर आके कहता है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को जो होता है सॉल्व करते हैं भाई, कि ये कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट नहीं है तो भाई दूसरा माल लाओ। तो नवरंग का काफ़ी अच्छा वेरिएटर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 280 MRP है, तो 250 रुपये में या 240 में समथिंग आपको ये मिल जाएगा। अब आपके एरिया में थोड़ा कम मिल रहा होगा तो वो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने एरिया के अपने मार्केट के हिसाब से मेरे को रेट देखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या रेट चल रही है इसकी, और मेरे को कितने होलसेल में ये कितने का पड़ रहा है। तो 250 से 240 के लगभग ये आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये सब डलवा ही रहे हो तो भाई साथ में क्लिच रोलर के पीछे दो डलवा लेना, जो कि 3 आते हैं 30 रुपये के रोलर के ओरिजिनल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पुराने सही हो, ओरिजिनल हो गाड़ी के टंके, तो आप वो डलवाओ। अगर आपके थोड़े बहुत भी कट गए हो तो भाई 30 रुपये में कुछ नहीं होता, आप डलवा लो, ओरिजिनल आते हैं यार। क्या फर्क, जो वेरिएटर होता है ना उनके साइड में लगते हैं जो पीछे, तो ये भी आप डलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 रुपये में ओरिजिनल आते हैं। क्योंकि 32 रुपये MRP है, तो 30 रुपये में ही रिटेल प्राइस में जाते हैं। तो ये सारा हो गया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 900 रुपये की हमारी पुली हो गई, 600 रुपये के क्लिच शू हो गए, एंड साथ में बेल्ट हो गई हमारी जो कि 240-230 के करीब है, एंड वेरिएटर हो गया हमारा 250 250 रुपये मान लो, 180 रुपये रोलर हो गए, 10% आप काट सकते हो रोलन पे भी, इस पर भी। अगर आप इतना सारा आइटम ले रहे हो रोलन का, जैसे कि जिस तीनों आइटम ले रहे हो, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है यहाँ से रिटेल प्राइस में। तो अगर आप पर्टिकुलर ये अकेला लोगे रोलन का, तो ये आपको 190 में ही मिलेगा रिटेल में, या 180 में भी दे सकता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो सामान, तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। देखो भाई, प्रोडक्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पर डिस्काउंट नहीं मिले, हालांकि कम मिलेगा और ओरिजिनल पे कम मिलेगा, पर मिलता जरूर है, 2-4% तब ऊपर नीचे कर लेते हैं, एंड जो अदर ब्रांड होते हैं वो 10% तक डिस्काउंट आराम से दे सकता है दुकानदार, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जब TVS पे ओरिजिनल 10% मिल रहा है, तो उस पर क्यों नहीं मिल सकता 10%, सोचने वाली बात है ना। हाँ, कुछ कुछ आइटम होते हैं जैसे होंडा पे नहीं मिलता जेन्युइन आइटम पे, वो काफ़ी कम मिलता है रिटेल में, इसलिए क्योंकि वो होलसेल का डिस्काउंट कम आता है। तो होंडा की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। तो TVS स्कूटी पेपलस इस ट्रैक में ये सब सामान आराम से लग जाएगा। तो आइयो, आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आए हो, अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड फिर से मैं वीडियो बना दूंगा पूरा प्रॉपर डिटेल में, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो और भी आपको अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो इस वीडियो को नहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।